जी हाँ साहब, मैं बोल ही नहीं रहा था, माइक ऑफ था मेरा। अच्छा यस भैया सर। जी, एमसीक्यूज तो देखने आज 1 रेडियन आपको पता है, ये देखें इसका आंसर इधर। अच्छा भाई ये देखें, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू, आपको पता है 1 रेडियन इक्वल टू होता है इधर 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड होगा तब हमारे पास बन जाएगा 180 ओवर पाई, ये बन जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास बन गया, लेकिन आपने इसको डिवाइड करके देखा कि 180 को डिवाइड करें 3.14 पे डिवाइड करें तो आंसर ये आता है। ये दोनों जवाब इसके बनते थे, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, तो इसका बोथ ए एंड बी। नॉर्मली पेपर में क्या होता है, पेपर में ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं ना, जिसमें लिखा होता है बोथ व्यू, मतलब बोथ ए एंड बी, नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स, इस तरह नॉर फॉल्स, मतलब इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ना, वो ज़्यादातर पेपर में वही ऑप्शन होता है उसका ना। और इसका एमसीक्यू थोड़ा सा पेपर में मिस्टेक थी, उसमें ना 2-3 एमसीक्यू इकट्ठे गलत लिखे गए थे, 0-0 आना था उसमें ना, इसमें 3-0 आने थे। जब इसको कन्वर्ट करना था हमने उसमें रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना था, 3 पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ना था। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना पड़ना था, 3600 पे तकसीम करना पड़ना था। 3600 पे क्यों, क्योंकि 60 मिनट 60 सेकंड, तो ये बन जाना था 1200, ये बन गया 1/1200। 1/1200 को हमने फिर जब रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ये फार्मूला हमने लगाना था। तो फार्मूला हमारे पास होता है पाई मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो 180 को 1200 से जब ज़रब देना था, हमारे पास आंसर आना था ये वाला, 3-0 आने थे, 2-0 ये वाले और 1-0 ये। 18 को 12 से जरा दें तो 216, उसमें 3-0 आने थे, ऑप्शन ये बनना था उसका हमारे पास। उसके बाद 30 डिग्री, ये तो सीधा सीधा था, आपको पता है कि रेडियन में हमारे पास पाई क्या होता है, 180। तो रेडियन में हम पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास 180 होती है, तो इसका आंसर हमारे पास बनना था पाई बाय 6। 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री। फिर द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, अब ये देखें 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 डिग्री होती है 60 मिनट 60 मिनट के बराबर होती है। अब 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होगा, 1 मिनट 60 सेकंड, वन 60 ऑफ, सेकंड अगर इधर से निकालें, अगर हम इधर से निकालें डिग्री वाली डेफिनेशन से, इधर से निकालें तो 1/60 डिग्री। तो उसने यही पूछा हुआ है, द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ये देखो 1/60, 1/60, मतलब उसका 60वां हिस्सा 1 डिग्री का, वो किसके बराबर होगा, किसकी डेफिनेशन बनती है वो, 1 मिनट की, वो मिनट की डेफिनेशन आएगी हमारे पास। तो ये आपको एमसीक्यूज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका एंगल चेंज कर सकते हैं हम, एंगल आप देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास थीटा जो मर्जी हो, एंगल अगर दोनों का सेम है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही होती है हमारे पास, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर से कॉस स्क्वेयर 3 थीटा, एंगल दोनों के देखने हैं, अगर तो एंगल होते हैं ना दोनों के डिफरेंस, तो इसमें नॉर्मली वो पेपर में देता है आंसर है ना, इसका डिफरेंट देता है, इधर दे देता है 3 थीटा, इधर दे देता है 2 थीटा, तो उसका आंसर नन ऑफ दीज आना है। लेकिन इसमें हमारे पास एंगल दोनों के सेम थे, तो इसका आंसर हमारे पास आना था 1। ये चंद एक ने गलत किया हुआ था, पहला एमसीक्यूज भी काफी लोगों का गलत था, दूसरा तो मिस्टेक हो गई थी इसमें ना, कि उसमें 3-0 आने, सर, अगर आएगा 1 3
3600 पार्ट ऑफ 1 डिग्री तो पर सेकेंड आएगा। वो हाँ, वहां से आपका डेफिनेशन निकाल लेनी ना आपने, तो वो ठीक डायरेक्ट है सर, सीधी सेकंड की डेफिनेशन बनती है वो। टेस्ट के दौरान सर। हो टेस्ट के दौरान नहीं, आप डायरेक्ट मैंने कहा उसको निकाल सकते हैं ना, जैसे हमने ये निकाली थी। अब इधर 1 मिनट था तो उसका हमारे पास जो होगा 1 डिग्री का, हमारे पास जो है इधर उसने 60वां हिस्सा कहा था, इधर 3600 ये वाला बन जाएगा। जब हमारे पास आप ये कह रहे हो ना, तो वो सेकंड की डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास, जब ये डिग्री का 1 बटा, मतलब डिग्री का 3600वां हिस्सा हमारे पास जो होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। जैसे उधर 60वां हिस्सा था, इधर 3600वां हिस्सा। अच्छा, ये एमसीक्यूज में हमारे पास आपको पता है कि अगर ये वाली टर्म आए, सम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सम, अब प्रोडक्ट से सम की तरफ मूव करना था हमने, दोनों साइन आ रहे हैं। आपको पता है दोनों जो साइन होते हैं, जब दोनों साइन आते हैं तो तब इसका आंसर क्या बनता है हमारे पास? जब दोनों साइन हो हमारे पास कोज का माइनस वाला फार्मूला बनता है, कोज का माइनस वाला फार्मूला, कोज पी ओवर क्यू, पी प्लस क्यू ओवर पी, देन हमारे पास है 7 थीटा, और हमारे पास जो है क्यू है वो हमारे पास 2, तो इन दोनों को जब करेंगे ये बन जाएगा 2 थीटा, ये बन गया 9 थीटा। ये देखिए, अब ये बन गया 9 थीटा ओवर 2, और साथ फिर आ जाना था कोज, आगे आना था को, दरम्यान में जब ये साइन होता है ये वाला, तो दरमियान में माइनस आता है, दोनों जब साइन आए तो दरमियान में माइनस, तो आगे आना था कोज, दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना था, तो इसमें वो वाला जवाब बनता ही नहीं। 9 थीटा ओवर 2, इधर बनना था 5 थीटा ओवर 2, तो इधर ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज बनना था। सम से प्रोडक्ट 10.4 वाला है इसमें ना। अलाइड एंगल फार्मूला आपको पता है, इसके फार्मूलाज आपने डिस्कस किए हैं। अलाइड एंगल फार्मूला आपको पता है कौन कौन से होते हैं? वो ये हमारे पास, उसमें जो अंदर एंगल आ रहे हैं ये हमारे पास है ना 90 डिग्री, अगर तो ये हमारे पास था उसका लाइट एंगल। और ये लाइट एंगल्स फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें आया था π/2, π, 3π/2 और 2π, और जिसमें हमने कोर रेशियो चेंज किया था, रेशियो कोर रेशियो में चेंज कर दी थी, ये वो वाले फार्मूले हैं उसमें में, मतलब लाइट एंगल फार्मूला यूज करते हैं हम। अच्छा ये देखें, ये पेपर में एमसीक्यू था इस तरह, कोज अल्फा माइनस 2π। आपको पता है कोज की माइनस क्या होती है? अगर इसमें से माइनस कॉमन भी ले लें, हम माइनस कॉमन भी ले लें, कोज की माइनस क्या हो जाएगी? वो फार्मूला बन जाना था इस तरह, कोज 2π माइनस अल्फा। आपको पता है कोज माइनस अपनी एब्जॉर्ब कर लेता है, कोज 2π माइनस अल्फा। जब 2π होता है तो नो चेंज, तो कोज अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। एंगल कौन सा है? अल्फा। 2π माइनस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? चौथे क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? कोज अल्फा, इसके साथ माइनस नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, और इसमें कोज, चौथे क्वाड्रेंट में वैसे ही कोज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या बना था? कोज ऑफ अल्फा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये सॉल्व करने वाला था क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं 360 माइनस 360 प्लस 60। माइनस 360 है तो 2π है, सीकेंड है, सीकेंड का माइनस क्या होगा? कोज का और सीकेंड का माइनस क्या होता है? माइनस, कॉमन बाय नहीं निकलता, तो ये बन जाना था हमारे पास सीकेंड 60। और सीकेंड 60 हमारे पास, आपको पता है सीकेंड 60 की जब आपने वैल्यू निकालनी थी, जब इसको लिखना था ना इधर से, इसको कर देना था हमने माइनस 360 प्लस 60, तो ये हमारे पास बेसिकली बन जाना था -300 ही। लेकिन इस पे जब हमने फार्मूला लगाना था, सीकेंड ने अपनी कोर रेशियो में चेंज नहीं होना था, वो उसी क्वाड्रेंट में रहना था हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉस 60 रह जाना था। सीकेंड 60, सीकेंड 60 हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2,
और सीकेंट 60 की उल्ट वैल्यू हो जानी थी 2/1, तो आंसर इसका बन जाना था 2। और ये वाली वैल्यू आपको पता है माइनस कॉस थीटा, ये किस में होनी थी? माइनस कॉस थीटा। अब ये देखें साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, 3/2 है, साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो गया, थीटा साथ आ गया, -3/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब यही जवाब ठीक है। इसमें भी देखते हैं, ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, साइन अपनी को रेशियो में चेंज होगा क्योंकि 3π/2 है और प्लस थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोस थीटा, और 3π/2 चौथे क्वाड्रेंट में चले गया, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, सॉरी पहला और ये दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका ठीक होगा, ये वाला बोथ ए एंड बी। जब हम देखेंगे इधर कोस 2π-थीटा, कोस अपनी को रेशियो में जब चेंज नहीं होगा, कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन जब साथ हम देखेंगे उसको 2π-थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इधर नेगेटिव दिया हुआ है उसने, तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? बोथ ए एंड बी। तो फिर उसके चलेंगे। बाद जो नेक्स्ट है, ये आपको पता है डबल एंगल फार्मूला लगाया था इसमें। डबल एंगल फार्मूला हमारे पास इधर था, साइन 2 अल्फा वो होता है 2 sin alpha cos alpha, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? इसमें अल्फा आ रहा है 2 फार्मूले वाला, अगर वो हाँ 2 होता है साइन 2 अल्फा, तो इधर हमारे पास उसमें क्या करना है? हमने उसका हाफ कर देना है। एक मिनट में चेक करता हूँ, 6 का कौन सा? उसका सी ऑप्शन नहीं ना, उसका छठे का देखो ना, 2 sin 7 थीटा 2 थीटा, तो हमारे पास ये चेंज होना था किसमें? जब इनको ऐड करना था 7 थीटा 2 थीटा, ये बन जाना था 9 थीटा डिवाइडेड बाय 2। चलो उसको देखते हैं, दोबारा देखते हैं एंड पे ना, ये कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा मैं देखता हूँ एक बार। तो इधर से डबल एंगल फार्मूला हमारे पास होता है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin alpha cos अल्फा, अगर इधर 2 अल्फा हो तो उधर हाफ होता है, अगर इधर अल्फा हो तो इधर अल्फा बाय 2 होगा, अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। वैसे अगर साइन 2 अल्फा होता है तो इधर होता है 2 sin alpha cos अल्फा, तो इधर अल्फा है, तो इधर इसका फार्मूला बन जाना था 2 sin alpha by 2 cos अल्फा बाय 2। और फिर द लॉ ऑफ कोसाइन आपको पता है, जिसमें हमारे पास कोस बीटा आता है, बीटा ही हमने, बीटा की वैल्यू हमने माइनस करनी होती है, बी ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2ac, तो ये हमारे पास एक फार्मूला था। व्हेन वी टेक द राइट एंगल ट्राइंगल देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस, उसको करते हैं पैथागोरस थ्योरम से। फिर उसके बाद ये डायरेक्टली फार्मूला था, आपको पता है इसका आंसर ये है, ये फार्मूलाज थे। फिर ये कैलकुलेटर से आपने वैल्यू निकाल ली थी, ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका आंसर ये आता है हमारे पास। सर एक बात पूछूं, जी, ये राइट एंगल कोसाइन लॉ क्या होता है? ओहो, जब कहते हैं कोसाइन लॉ जो यूज करना है ना, हमने ये बोला है उसने, व्हेन वी टेक द राइट एंगल, राइट एंगल जब लेते हैं ना ट्राइंगल, देन द लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन को हम रिड्यूस करते हैं किसमें? पाइथागोरस थ्योरम में। तो सर पैथागोरस ये राइट एंगल कोसाइन लॉ ये वो वाला नहीं है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू थ्योरम, ये ब्राउन ऊपर जो हेयर, लिखा मतलब हुआ है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका जब प्रूफ करते हैं ना, तो उसमें हम लॉ ऑफ ये पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, जब ये वाला थ्योरम प्रूफ करते हैं ना, अच्छा हाँ तब हम उसमें लॉ ऑफ पैथागोरस थ्योरम सॉरी उसमें यूज करते हैं हम। सर, आपने लिखा था ना ये राइट एंगल कोसाइन लॉ, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा शायद ये वो है कोज अल्फा इज इक्वल टू नहीं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा अभी नेक्स्ट जो है ये टेन दूसरी तरफ जाके बनना था, ये मेरे ख्याल में
12.1 एक्सरसाइज का है, टेन अल्फा टेन थीटा सॉरी इक्वल टू 1.705, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स होने के बाद हमारे पास ये बन जाना था आंसर इसका, ये वाला टेन इनवर्स 1.75। ये भी उस कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना था, फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देना था। तो उसके बाद स्मॉलेस्ट एंगल आपको पता है, स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका स्मॉलेस्ट एंगल होगा। ए हमारे पास 37.34 है, बी हमारे पास 3.24 और सी हमारे पास 35.06। तो ये हमारे पास आना था बी वाला, उसका बीटा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता है जिसमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन होता है, हमने तीन तरह की इसकी टाइप्स पढ़ी है ना, जिसमें तीनों साइड्स दी हो, तीनों एंगल्स दिए हो, दो एंगल्स दिए हो और एक साइड, या दो साइड्स और एक एंगल। तो इसमें दो साइड्स और एक एंगल है। अब देखें ए और बी है, जब ये साइड्स आती हैं तो एंगल वो वाला नहीं आता, उनसे हटके आना है, मतलब जो रह गया तीसरी साइड वाला। ए और बी बीटा दे दिया उसने, बी और सी गैमा दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं। ए और सी साइन अल्फा, ए अल्फा का दे दिया, ए और बी अब गैमा, ए और बी के एंगल गैमा नहीं ना होता, इसका मतलब ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। जब आपको ना फार्मूला आते हो तो उसकी नुगेशन में जाते हैं आपको, तो इसका आंसर हमारे पास ये बनना था। तो डोमेन है आपके पास, डोमेन का आपको कितनी बार बोला है कि ये एक एमसीक्यूज आपका पेपर में आना ही आना है। डोमेन वाला जो टेबल है ना वो आपने अच्छे से उसको याद करना है। फिर डोमेन जो है आपको पता है कोज इनवर्स की, कोज इनवर्स की जो रेंज होगी, सॉरी कोज की, कोज की जो हमारे पास, कोज की हमारे पास डोमेन और रेंज क्या है, कोज की हमारे पास डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जब हम देखते हैं उसकी रेंज, रेंज आती है माइनस वन से लेके, उसका आंसर जो है माइनस वन से प्लस वन के दरमियान ही रहना, जो मर्जी वैल्यू ले लो, लाखों में ले लो, करोड़ों में ले लो, जो मर्जी वैल्यू ले लो, हमारे पास यही आंसर रहना है। तो जब हम बात करते हैं, आपको बताया था इनवर्स वाले चैप्टर में, 13 चैप्टर में, तो उसमें आपको एक टेबल बताया था इसका, इनवर्स वाले टेबल का ना, ये सारी वैल्यू डोमेन और रेंज। तो आपको पता था कि आपने जस्ट एक टेबल याद करना है डोमेन और रेंज का, सिंपल कोस साइन टेन वाले का। जो उसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, और जो उसकी रेंज थी वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। अब ये उसकी रेंज थी उधर, तो ये हमारे पास इसकी इनवर्स वाले फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये बन जाना। और ये आपको पता है, ये आपने सेकेंड ईयर में भी एक क्वेश्चन है ना, एफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास होता है एक्स। एफ और एफ इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर हमारे पास रह जाता है एक्स। तो इसी तरह कोज और कोज इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास रह जाएगा जो अंदर आंसर आ रहा है माइनस वन बाई टू। अब इसका हमने पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब ये सेम नहीं है, अब ये डिफरेंस है। कोज इनवर्स 1/2 होता है, आपको पता है कोज इनवर्स 1/2 पाई बाय 3 पे होता है, 60 पे होता है, 60 पे होता है हमारे पास। और सेकंड की वैल्यू फिर आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसका हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो आपने देख लेना है। फिर उसके बाद ये भी टेन और टेन आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 1। ये इसका tan इनवर्स वाले का फार्मूला था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, जब दोनों के दरमियान में प्लस हो तो ऊपर प्लस आता है, नीचे हमारे पास माइनस होता है। अगर इनके दरमियान में माइनस होता तो फिर ये वाला फार्मूला बनना था, अगर माइनस होता तो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जब आप जाते हैं प्रोडक्ट से सम की तरफ, जब आपने जाना है प्रोडक्ट से सम की तरफ, तो तब हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज करते हैं,
ये बनना था कोज ऑफ पी प्लस क्यू। अगर ये आ रहा है तो दरमियान में माइनस कोज ऑफ पी माइनस, लेकिन इधर इधर माइनस आना है ना फार्मूले में, इधर हमारे पास फार्मूले में माइनस आता है उसके। ये आपकी 10.4 जो एक्सरसाइज है ना उसका फार्मूला है, उसमें फार्मूला देख लीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा बनता है। अगर शायद ये वाला बनता होगा फिर इसका ना आंसर कोस 5 थीटा माइनस कोस 9 थीटा। जब माइनस से जरब देंगे ना तो ये माइनस आ जाएगा। हाँ सी होगा इसका आंसर ना।